हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शिमा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे। और फ्रेंड्स, कुछ कारणों से बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करती हूँ ये सुंदर प्यारी सी गुलाब के साथ, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरा टॉपिक आज ये गुलाब नहीं है, कुछ और प्लांट है। तो वीडियो में बने रहिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो गुलाब के प्लांट है इस पर बहुत अच्छे से अभी ब्लूम हो रही है और आप गुलाब की जो साइज़ है वो देख सकते हो, बहुत ही प्यारी हो रही लग रही है। और इसके जो कलर है वो भी बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही हेल्दी प्लांट भी है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को अभी अगर नर्सरी से लाना चाहते हो तो ला सकते हो, बहुत ही अच्छी प्लांट है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टॉपिक है आज आपके साथ बात करने का, ये जो प्लांट देख रही हो फूलों वाली, जो एक बेल वाली प्लांट है, ये है गार्लिक वाइन। वैसे तो अभी विंटर की फ्लावरिंग चल रही है, तो इसके साथ साथ मेरी ये जो प्लांट है गार्लिक वाइन, इस पर भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रही है। और फ्रेंड्स, इसको मैंने कटिंग से ग्रो की थी, बहुत सारे कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो सभी पे अभी ब्लूम शुरू हो गई है। और ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल ही आपको फ्लावरिंग करवाती है। ठंड में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो इस प्लांट पे भी बहुत सारी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। और इसकी जो फ्लावर है वो वायलेट कलर की है, मेरे पास ये व्हाइट में भी अवेलेबल है। तो ये जो कटिंग्स है फ्रेंड्स, इस प्लांट को मैंने नर्सरी से नहीं खरीदी, ये मेरे हस्बैंड कहीं काम से गए थे, वहाँ से एक कटिंग लेके आए थे, आसाम से ये कटिंग लेके आए मेरे लिए। तो इसको मैंने छोटी छोटी करके बहुत सारी पॉट पे लगा दी थी, सभी ठीक हो गए, बच भी गए और ग्रोथ भी पकड़ लिया। कुछ कुछ में फ्लावरिंग पहले से ही हो चुकी है, इस पर अभी न्यू फ्लावरिंग आई है, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने पॉट ली है, मिट्टी की पॉट ली है, थोड़ी सी बड़ी पॉट ही ली है, लगभग 14 इंच का ये पॉट है, मिट्टी की पॉट है। उस पर जो ये मिट्टी आप देख रहे हो, इस पर मैंने ज़्यादातर ही गोबर मिट्टी मिलाई है, लगभग 60% मैंने गोबर मिट्टी, बाकी मैंने बालू मिट्टी और गार्डनिंग सॉयल अच्छे से मिला के मैंने इसको लगा दी थी। और मिट्टी अगर आप एक बार अच्छे से बना दो तो उतना ज़्यादा बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर इस पर खिल चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ फ्लावर अभी खिल रही है, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करो। तो फ्रेंड्स, इसका नाम गार्लिक वाइन है, इसके नेम गार्लिक वाइन इसलिए भी है, इसकी जो लीव्स है, लीव्स की जो खुशबू है वो पूरी ही गार्लिक की तरह है, इसलिए भी इसका नाम गार्लिक वाइन है। और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। सनलाइट की अगर बात करूँ तो इस प्लांट को फुल धूप ही चाहिए, अगर लगभग 5-6 घंटे की धूप में आप रखो, इससे फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने एक प्लांट को शेड में लगाया है, उससे फ्लावरिंग अभी तक नहीं आई, लेकिन जिन जिन कटिंग को मैंने इस तरीके से धूप में रखा उन सभी पे फ्लावरिंग ऑलरेडी हो चुकी है और हो भी रही है। इसकी जो स्टेम आप देख सकते हो बहुत मोटी हो गई है, तो इसको अगर आप चाहो तो बेल के रूप में भी आप गेट पे लगा सकते हो, चढ़ा सकते हो ऊपर। अगर आप चाहो तो इस तरीके से पॉट पे लगा के कट करके इसको छोटे करके रख सकते हो। अगर आप फर्टिलाइज की बात करो तो आप लगभग 2-3 महीने में एक बार खली का पानी आप दो, उतना ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2-3 बार आप खली का पानी या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दो तो आपकी प्लांट अच्छे से चलती है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग करवाने के लिए, क्योंकि खली का पानी इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है और सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो खली का पानी मैं बहुत अच्छे से सभी प्लांट पे भी यूज़ करती हूँ, इस पर भी यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी ही थी इसकी जानकारी, इतनी ही देखभाल से इस प्लांट पे फूल भर भर के आएंगे, बंचेस में फूल आएंगे। अगर आप भी चाहते हो लगाना तो लगा सकते हो। नर्सरी में ये मैंने दाम की थी, ये नर्सरी में लगभग 100 से 150 रुपये में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, लाके लगा सकते हो। स्टेम लगाना चाहते हो तो इस तरीके की मोटी, थोड़ी सी मोटी मीडियम साइज़ की स्टेम आप लगाओ तो आपकी प्लांट अच्छे से ग्रो कर लेगी। मैंने तो हालांकि छोटे से छोटे स्टेम भी मैंने लगा दी थी, एक स्टेम लाए थे तो उसको मैंने टुकड़ा करके
मैंने मिट्टी पे लगा दी थी और अच्छे से ये लग गई। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वाइन प्लांट आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे रहिए, खुश रहिए, चारों तरफ ग्रीन बनाइए और विंटर गार्डन का मज़ा लीजिए। थैंक यू।